हेलो बच्चों, इस पाठ में हम दो अंकों वाली संख्या को एक अंक वाली संख्या से भाग करना सीखेंगे। राजू और बबलू को आज जीव से एक खत मिला है। खत में लिखा है कि जीव उसके कुछ दोस्तों के साथ उनके घर दिवाली मनाने आ रहा है। राजू और बबलू गग्गू के पटाखों की दुकान पर पटाखे खरीदने आए हैं। उन्होंने गग्गू से 12 अनार का बॉक्स खरीदा। अब वो सोच रहे हैं कि अगर उन्हें वो अनार जीव के 4 दोस्तों में बराबर बांटने हो तो हर दोस्त को उन्हें कितने अनार देने होंगे। बच्चों, क्या आप राजू और बबलू को इसका उत्तर ढूंढने में मदद कर सकते हैं? यहाँ कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है? 12 अनार। और ये कितने दोस्त में बराबर बांटने हैं? 4 दोस्त। आइए पता लगाएं कि हर दोस्त को कितने अनार मिलेंगे। हम पहले इस तरह से हर दोस्त को एक एक अनार देंगे। अब कितने अनार बचे? 8। अब हम इस तरह से एक एक अनार हर दोस्त को बांटेंगे जब तक सारे अनार खत्म नहीं हो जाते। इस तरह 12 अनार 4 दोस्तों में बट गए और हर दोस्त को कितने अनार मिले? बिल्कुल ठीक, 3 अनार। अब हम इसे भाग के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 12 अनारों के 4 बराबर भाग हुए, 3 अनार प्रति भाग। अब राजू और बबलू सोच रहे हैं कि वे जीव के दोस्तों के लिए उपहार के रूप में पेंसिल खरीदेंगे। उन्होंने बन्नी की दुकान से 20 पेंसिलें खरीदी। अब राजू ने बबलू से कहा कि यदि जीव के 5 दोस्त आए तो वो पेंसिल को उन दोस्तों में कैसे बांटेंगे? बच्चों, क्या आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसका उत्तर बिल्कुल ठीक ढूंढा है। हम इस तरह से 20 पेंसिल को 5 दोस्तों में बांट सकते हैं और हर दोस्त को 4 पेंसिल मिलेंगी। अब इसे हम भाग के रूप में किस तरह लिखेंगे? 20 पेंसिलों के 5 भाग हो गए, 4 पेंसिलें प्रति भाग। जब राजू और बबलू ये सारी वस्तुएं लेकर घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनके घर सुंदर तोरण से सजे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जीव की उड़न तस्तरी को सजाने के लिए भी कुछ तोरण खरीद लाए। वे तुरंत दौड़कर चंदा की फूलों की दुकान पर पहुंच गए। चंदा हर तोरण को 7 फूलों के गुच्छों से बनाती है। अगर राजू और बबलू को 14 फूलों से जीव की उड़न तस्तरी सजानी हो तो उन्हें कितने तोरण खरीदने होंगे? बच्चों, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर इसे भाग के रूप में लिख सकते हैं? शाबाश बच्चों, आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है। 14 फूलों को 7 फूलों के गुच्छों के तोरण में बांटें तो ऐसे 2 तोरण बनेंगे। आखिर जीव अपनी उड़न तस्तरी में राजू और बबलू के पास दिवाली मनाने अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया। देखिए, वो और उसके दोस्त राजू और बबलू ने की तैयारी से कितने खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्या को 1 अंक वाली संख्या से भाग करना सीखा। अगले पाठ में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।